गुलाब कोठारी प्रकरण में दिए हाईकोर्ट के आदेश की पालना को लेकर राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी बनाने का मकसद हाईकोर्ट के आदेश की पालना को लेकर चल रही भ्रम की स्थिति को समाप्त करना है। ये खास रिपोर्ट देखिए। करीब 13 साल से लंबित गुलाब कोठारी प्रकरण में जोधपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 12 जनवरी 2017 को 35 बिंदुओं का विस्तृत आदेश दिया। आदेश के कुछ बिंदुओं के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की और इस याचिका को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की वृहद पीठ को रेफर कर दिया। वहीं हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने अपने 15 दिसंबर 2018 के आदेश में राज्य सरकार को कोई राहत नहीं दी। अब इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से विशेष अनुमति याचिका दायर करने का फैसला लिया है, लेकिन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर प्रकरण में हाईकोर्ट के दिए आदेश में स्पष्ट राय देने के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया है, ताकि इस आदेश को लेकर भ्रम की स्थिति होने पर बेवजह किसी प्रकरण को अटकाया ना जा सके। मुख्य नगर नियोजक राजेंद्र कुमार विजयवर्गीय को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। कमेटी में उदयपुर नगर सुधार न्यास के सचिव उज्जवल राठौड़ को सदस्य, जयपुर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त आयुक्त गिरीश पाराशर को सदस्य, यूडीएच उप विधि परामर्शी संतोष पुनिया भी कमेटी में सदस्य है। कमेटी कृषि भूमि रूपांतरण के ताजा मामलों पर हाईकोर्ट आदेश के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट राय देगी। साथ ही ये राय भी देगी कि क्या ये लेआउट प्लान स्वीकृत और भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदन किया जा सकता है, क्या योजनाओं का नियमन कर पट्टे या किसी भूमि का एक पट्टा जारी किया जा सकता है। वहीं कमेटी को ये छूट दी गई है कि वो चाहे तो किसी भी बिंदु पर महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता की राय ले सकेगी। उनकी राय लेने के बाद कमेटी अपनी फाइनल राय देगी। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।